लोकसभा से पारित और राज्यसभा में लंबित जीएसटी विधेयक को लेकर कई राज्य आपत्ति जताते रहे हैं और इसी वजह से इस पर राजनीतिक दलों में आम राय नहीं बन पाई है। मानसून के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल अटके पड़े हैं। इनमें से एक बिल है जीएसटी बिल यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर इस सत्र में यह बिल पास हो जाएगा तो देश की टैक्स संरचना में बड़ा बदलाव आएगा। सबसे पहले जानते हैं जीएसटी को लेकर हमारे देश के दिग्गजों की राय। भारत के कोई भी बिल हैं उनमें विपक्ष को भूमिका रहती है और विपक्ष को उसके देश हित में जो कार्य हैं उनको कम से कम समर्थन होना चाहिए। और मुझे विश्वास है इस बार जीएसटी जैसा बिल जो दो वर्ष से लटका पड़ा हुआ है, बहुत सारे दलों ने सहमति जताई है, तो मुझे इस बार विश्वास है कि पास हो जाएगा। ड्राफ्ट बिल आगे हम लोग देख लेंगे उसमें क्या अच्छा है क्या खराब है। हम लोग तो अपोजिशन का यही मतलब है, तो वहाँ तो आँख मूंद करके इतना बड़ा बहुमत है कि सब कुछ निकाल लेते हैं, तो वहाँ तो कोई विरोध का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ राज्यसभा में तो हम लोग छानबीन करके ना किसी चीज़ को पास करेंगे। हम लोग पास करना चाहते हैं लेकिन उनका दायित्व है कि फ्लोर मैनेज करें, लोगों को कॉन्फिडेंस दें, एक आम सहमति इमर्ज कराएं, ये उनका दायित्व है। बिलों को पेश करना, बिलों को पारित करवाना, ये सब सरकार की जिम्मेदारी बनती है और जाहिर है उसमें विरोधी पक्ष का सहयोग लगता है, मगर सहयोग तब मिलेगा जब आप उनके साथ वार्तालाप ठीक से करेंगे, आप उनके साथ कोई बिहाइंड द कर्टन आउटसाइड द हाउस भी डिस्कशन डिबेट करेंगे, उनके जो कोई पॉइंट्स विरोध करके हैं कि भाई जो ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स हैं उनके, उनको कंसिडर करेंगे, उनका समाधान करेंगे। मगर यहाँ तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी समझती है जिस तरह से लोकसभा में बहुमत है उनके पास, उसी तरह से राज्यसभा में भी वो हर काम को जैसे चाहे वैसे कर लेंगे, तो ये मेरे ख्याल से उनकी गलती है। पिछले साल भर में जीएसटी बिल लटका रहा, अब भी अपेक्षा ये थी कि भाई जीएसटी बिल पर लगभग सहमति हो गई है, मगर जहाँ कहीं मामला थोड़ा सा अटका है तो ये तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो कोऑर्डिनेट करें, फ्लोर कोऑर्डिनेशन बराबर करें। और सबसे बड़ी विरोधी पक्ष पार्टी जो है कांग्रेस, उसके साथ में तो डायलॉग होना ही चाहिए, मगर ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही तक नहीं, और भी कई पार्टियां हैं जिसमें हमारी पार्टी भी शामिल है, इन सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जो जनहित का मामला है या जो देश हित का मामला है उसमें मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक पक्ष रोड़े अटकाएगा। जीएसटी पास हो जाएगा और इसमें लगभग सभी, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, सभी दलों को अनुभव होने लगा है कि जीएसटी विधेयक न पास होने के कारण बड़ी क्षति हो रही है और लोगों की निगाह में, जनता की निगाह में छवि भी धूमिल हो रही है विभिन्न पार्टियों की। और इसलिए लगभग सभी ने मानस बनाया है कि इस बार जीएसटी बिल निश्चित रूप से पास कराया जाए। आइए जानते हैं क्या है जीएसटी बिल और देश की अर्थव्यवस्था पर इस बिल का क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्विस के लिए टैक्स की दर 14% है जबकि गुड्स के लिए टैक्स की दर अलग अलग है। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टैक्स रेट एक होगा। भारत में 20 तरह के टैक्स लगते हैं और जब एक टैक्स इन सब की जगह ले लेगा तो वो होगा जीएसटी। अब आपको जीएसटी से होने वाले फायदे के बारे में बताते हैं। जीएसटी के लागू होने से पूरे देश में हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। वेट एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स चुकाना होगा। कारोबारियों और कंपनियों को इससे बहुत फायदा होगा, यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी। इसके लागू होते ही केंद्र को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स सब खत्म हो जाएंगे। भारत में वर्ष 2006-07 के आम बजट में पहली बार इसका जिक्र किया गया था। राज्यों को मिलने वाला वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, चुंगी वगैरह भी खत्म हो जाएगी। जीएसटी के लागू होने के बाद टैक्स चोरी रुक जाएगी। इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ेगा। सरकार ने भरोसा दिलाया कि इस सत्र में जीएसटी बिल पास हो जाएगा। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।